नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चुनाव से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस पर साधा अपना निशाना। जिला मुख्यालय डबराई पर भाजपा नेताओं ने जमकर हल्ला बोल किया। आपको बता दें, पूरा मामला जिला मुख्यालय फिरोजाबाद डबराई से जुड़ा हुआ है, जहां दिनांक 9/12/2023 को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया है। भाजपा नेता इस मामले को बड़ा तुल दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इसी को लेकर आज शनिवार को फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर भाजपा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के द्वारा जो लगातार देश स्वतंत्र हुआ है, तब से लगातार जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के बाद भी कहीं ये सत्ता जरासी भी मिल जाती है या कोई सांसद या राज्यसभा सांसद उनका बनता है, तो कहीं कहीं भी ये भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं चुकते हैं। इसी क्रम में 3 दिन से लगातार एक धीरज साहू जी राज्यसभा सांसद है, उनके घर पर जो छापा मारा है सरकार ने, उनके 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। जो पैसा गिनने वाली मशीनें हैं, वो पैसा गिनने वाली मशीनें भी अपने को पैसा गिनने में असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक वहाँ की सांसद है मोहित्रा जी करके, उन्होंने प्रश्न पूछे लोकसभा में। प्रश्न पूछने के लिए जनता प्रतिनिधि को चुनती है, जनता का विकास करें, जनता की समस्याओं को सदन में रखें जिससे देश का विकास हो। माननीय मोदी जी विकास की बात करते हैं, ये कांग्रेस के जितने लोग रह गए हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी के निमित्त आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम किया गया कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सजा देने का। आज भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन यहाँ दिया गया है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार संबंधी तथ्यों का उल्लेख करते हुए और वर्तमान में धीरज साहू जी के संबंध में उल्लेख करते हुए जांच के लिए और दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। तो उक्त ज्ञापन को हम लोग विधिवत माध्यम से संबंधित को पहुँचाने का करेंगे।